नोटबंदी के बाद से जहां लोग अपने पुराने नोटों को बैंक में जमा कराने और पैसे निकालने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे सेटिंग बाज भी हैं जो अपनी काली कमाई को जुगाड़ से सफेद कर रहे हैं। देश भर में चल रही छापेमारी में लाखों की नई करेंसी मिल रही है। मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दुबई जाने वाले एक यात्री के पास से 2000 रुपए के नए नोटों में 28 लाख रुपए जब्त किए गए। इस शख्स ने 2000 के नोटों को जींस, खिलौनों और प्रेशर कुकर में छिपा कर रखा था। दुबई जा रहे आरोपी शख्स का नाम अशरफ है। जब उसे सीमा शुल्क के अधिकारियों ने रोका, तब वो दुबई जाने वाली जेट एयरवेज की उड़ान में चढ़ने वाला था। अधिकारी ने बताया कि अशरफ के बैग की जांच की गई, तो उसमें से 2000 रुपए के नोटों में 28 लाख रुपए मिले। अधिकारी ने कहा कि पूछताछ में उसने बताया कि नकदी सिद्दीकी नाम के शख्स की है और वो इसे देश से बाहर 20,000 रुपए और दुबई के मुफ्त हवाई टिकट की एवज में ले जा रहा था। अशरफ के खिलाफ सीमा शुल्क अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि सिद्दीकी हवाई अड्डे आया था, लेकिन इसका एहसास होने के बाद मौके से भाग गया। NMF न्यूज की रिपोर्ट।